स्वागत है आपका चौगामा की आवाज़ में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गांव में दबंग होमगार्ड कर रहा है रोब गालिब और घर में घुसकर कबूतरों की हत्या व घर का सामान तोड़ने का उस पर लगा है आरोप। दरअसल रामराज थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी लगा है आरोप। पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पीड़ित परिवार ने इंसाफ की आस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाज़ा खटखटाया है। जनपद के रामराज क्षेत्र के गांव हासमपुर में एक पीड़ित परिवार ने होमगार्ड पर वर्दी की आड़ में दबंगई को जन्म देने वे गांव वासियों पर वर्दी का रोब गालिब कर डराने धमकाने व घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। जनपद के थाना रामराज क्षेत्र के गांव हाशमपुरा निवासी शहजाद ने शिव चौक स्थित पुरानी तहसील मार्केट में स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए ये बात बताई। जी हाँ, ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए चौगामा की आवाज़ के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कारण मेरा यह है जी, मेरे घर खानी खा जाके होमगार्ड ने मेरा वो अपने भतीजों को लेके और अपने लड़के को लेके तोड़फोड़ कराई। क्या वजह रही इसकी? जी पार्टी में, दूसरी पार्टी में गांव के बीच में झगड़ा था जी, तो हमारे रांगड़ों के घर कुछ इधर आ रही थी, उसकी वजह से वो रांगड़ ये भी हैं जी, तो इस वजह से हमारे तोड़फोड़ करा दी। कौन सी लड़की से? बेनाई है। तो क्यों मारपीट कर रहा है, कारण क्या है? बस जी कारण कुछ नहीं, कारण हमारा कोई झगड़ा गांव में जाकर गांव में जाके किसी से मालूम कोई भी जाकर कर सकता है कि हमारा कोई झगड़ा उनसे नहीं था, पहले कभी हुई थी जरा। तो आपने इसकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई? करी थी, SO आए थे तो, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। 151 में चला। कौन है आपके साथ मारपीट कर रहा है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जी महबूब है, होमगार्ड जी अफजाल है जी, और उसका लड़के हैं जी उनका नाम है जी आमिर है, शाहरुख है जी, एक साजी डॉक्टर है। हमारी सात आठ चरपाई तोड़ दी थी उन्होंने, कबूतर आपने पाल रखे थे? अब क्या चाहते हो आप, कहते क्या? बस इंसाफ चाह रहे थे, उनको सजा मिलनी चाहिए गुनाहगार को। अगर जो भागे थे कबूतर तो बहुत ज्यादा, छोटे छोटे बच्चों को भी इतने इतने से बच्चे थे।